चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने दाखिल किया नामांकन। चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र एसडीएम अनिल कुमार के समक्ष दाखिल किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति पायल सैनी, पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया, आरजीपीआरएस संगठन के अरविंद बाग सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर रफीक मंडेलिया ने कहा कि उनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया के अधूरे रहे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ उन्होंने नामांकन भरा है। चूरू की जनता अगर समर्थन देती है तो वे चूरू के विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट होके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चूरू विधानसभा की पूरी कांग्रेस एक साथ है। सर, पूरा किन किन मुद्दों को लेकर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पानी का मुद्दा है और अशोक जी गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। नामांकन रैली के अवसर पर इंद्रमणि निवास स्थित चुनाव कार्यालय में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें तारानगर विधायक व वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ प्रत्याशी पुसाराम गोदारा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केसरी शर्मा, चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की बात रखी। आज का जो शुभ दिन नामांकन का भाई रफीक जी मंडेलिया ने जो चयन किया है, सोमवार का वार है। इसके बाद इंद्रमणि निवास से मुख्य बाजार से होते हुए विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता व आम लोग मौजूद रहे।